दोस्तों देखा जाए, हम लोग घटना चक्र का जो करंट अफेयर आँख वाली आती है उसको कर रहे थे। उसमें देखा जाए सभी पोर्शन हमने आपका कवर कर दिया है। लास्ट में हमें बचता है खेल परिदृश्य, यानी कि खेल से रिलेटेड क्वेश्चन। वैसे तो PCS और IAS के लेवल में देखा जाए तो खेल से तो कम ही क्वेश्चन आते हैं, और यहाँ पे बहुत सारे डेटा रहते हैं सबसे ज़रूरी बात। लेकिन एग्ज़ाम में वही खेल से क्वेश्चन आता है जो कह सकते हैं बहुत फेमस होता है, वहीं से क्वेश्चन आता है, ठीक है। और अदर एग्ज़ाम में जो छोटे एग्ज़ाम होते हैं वन डे वाले, उसमें आपको ये क्वेश्चन आते हैं। तो देखा जाए यहाँ पे सबसे प्रमुख देखा जाए तो जो ग्रैंड स्लैम लॉन टेनिस है 2024, देखा जाए IAS के रिस्पेक्ट में टेनिस से ही क्वेश्चन आता है, क्योंकि टेनिस कंसिडर्ड टू बी मोस्ट प्रेस्टिजियस स्पोर्ट एमंग इंडिविजुअल ग्रैंड, सबसे प्रेस्टिजियस माना जाता है। और ये डेवलप हुआ था गेम कहाँ से, इंग्लैंड से डेवलप हुआ था, इंग्लैंड से। ये तो पहले टेनिस ही बोला जाता था, लेकिन मॉडर्न टेनिस नोन एज कह सकते हैं लॉन टेनिस, जैसा यहाँ पे लिखा हुआ लॉन टेनिस यहाँ पे बोला जाता है, ठीक है। डबल एन रहेगा, टेनिस लॉन टेनिस, ठीक। अब देखा जाए लॉन टेनिस प्ले डिफरेंट टाइप ऑफ, मतलब कोर्ट, मतलब होता है हार्ड कोर्ट होता है, इंटरनेशनल टेनिस फेडरेशन है, एपेक्स बॉडीज का होता है, और इसका फाउंडर जो है कह सकते हैं फाउंडेड इन 1913 में, और पेरिस है। और इसमें टेनिस इन इंडिया में देखा जाए ऑल इंडिया लॉन टेनिस एसोसिएशन है, और देखा जाए वाज फॉर्म इन मार्च 1920 में और लाहौर में बना था। लेकिन ये ऑल इंडिया लॉन टेनिस जो यहाँ पे अब वो चेंज हो गया, अब यहाँ पे न्यू दिल्ली में एक हेडक्वार्टर है, RK खन्ना टेनिस कॉम्प्लेक्स न्यू दिल्ली में इसका हेडक्वार्टर बोला जाता है, ठीक है। और टेनिस ग्रैंड स्लैम होता है, जैसे यहाँ पे ग्रैंड स्लैम टेनिस दिया है, और ग्रैंड स्लैम टेनिस 4 मेजर पार्ट में होता है, ये आपको जानना है। अल्फ़ाबेटिकल बता सकते हैं, इसमें अल्फ़ाबेटिकल में 4 ग्रैंड स्लैम होता है, तो इसमें एक ऑस्ट्रेलिया ओपन होगा, ऑस्ट्रेलियन ओपन, उसके बाद फ्रेंच ओपन, ठीक है, विंबलडन ओपन होगा, अमेरिकन ओपन टेनिस होता है, ये सब ग्रैंड स्लैम बोला जाता है, ठीक है। और टेनिस ग्रैंड स्लैम जो होगा फर्स्ट, ये देखा जाए अमेरिकन जॉन कैरियन ने फर्स्टली यहाँ पे ऑपरेट किया जर्नलिस्ट, ठीक है। और ग्रैंड स्लैम विनर, और इसमें देखा जाए ग्रैंड स्लैम क्या क्या होता है इसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे, ठीक है। और इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट ग्रैंड स्लैम है, तो देखा जाए यहाँ पे ऑस्ट्रेलियन ओपन 2024 में कौन जीता ऑस्ट्रेलियन ओपन, तो पुरुष एकल में विजेता थे और जेनी सीनर थे इटली के, और उप विजेता डेनियल मेदवेदेव थे रूस के, ठीक है। और फ्रेंच ओपन में अगर देखा जाए सिंगल, पुरुष सिंगल एकल में कार्लोस अल्कराज स्पेन के हैं, ठीक है। और देखा जाए जो रनर थे यानी कि उप विजेता जर्मनी के अलेक्जेंडर ज्वेरेव थे, और यहाँ पे कार्लोस अल्कराज ने देखा जाए विंबलडन ओपन में किसको, नोवाक जोकोविच को हराया सर्बिया में के, और ये बहुत फेमस है नोवाक जोकोविच। और अगर देखा जाए एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ये इम्पॉर्टेंट है, कौन सा, विंबलडन 2024, और US ओपन में जेनिक सिनर और टेलर फ्रिज को हराया, USA के थे, इटली के जेनर सिनर थे। महिला में देखा जाए एरिलना सर्वोलेका थे बेलारूस के, किन्वेंस जेंग थे और इगा विस्टिक हैं पोलैंड के,
ठीक है। इन्होंने हराई किसको, जैमिका को, यानी कि अब इसमें देखा जाए महिला एकल में विंबलडन में कौन थे, बारबोरा क्रेजिकोवे थे चेक गणराज्य के, इन्होंने ओसन जैस्मिन पावल को इटली में इनको हरा दिया, ठीक है। और यहाँ पे एरिना सर्वलोव फिर से यहाँ पे यूएस ओपन में बेलारूस की है, और एक इनको मतलब जेसिका पेंगुलो को यूएसए के थे उन्होंने। यहाँ पे दूसरा इम्पॉर्टेंट देखा जाए पुरुष युगल विजेता में जो जोड़ी वाले रहते हैं, रोहन बोपन्ना भारत और मैथ्यू एबडन ऑस्ट्रेलिया, इन्होंने हराया सीमन बोलिन और एंड्रिया और बासोरिया दोनों इटली की थी। मार्शल एरवोलो ठीक है और मैट पाविक क्रोएशिया के थे, इन्होंने हराया ये दोनों इटली वाले को, ठीक है। ये दोनों देखिए हारने वाले हैं यहाँ पे भी, मतलब कि आपका ऑस्ट्रेलिया और फ्रेंच ओपन दोनों में। और हैरी हेलोवेरा फिनलैंड के, हैरी पैटन यूके के, मैक्स पर्लिस और जॉर्डन थॉमस दोनों ऑस्ट्रेलिया के, इनको हराया मैक्स पर्लिस। अब यहाँ पे देखा जी यूएस में, यूएस ओपन में दोनों ने जीत हासिल किया, ठीक है। और ये देखा जाए यहाँ पे जीत हासिल किया महिला युगल में, देखा जाए ये पुरुष युगल थे, महिला युगल में सी सुई वी चीन और एलिस मार्टिन बेल्जियम, इन्होंने लाटविया के दोनों हैं, ये यूक्रेन के हैं और लटाइबा के, इनको हराया कोगो गाफ और कैटरीना सिनकोवा चेक गणराज्य के, सारस एरिना और जैस्मिन दोनों इटली के, इनको हराया, ठीक है। और आगे आते हैं कैटरीना सिनकोवा चेक गणराज्य की और टेलर टाउन सेंड यूएसए के, गैब्रियल डावोस्की कनाडा और एरियन राउट्री न्यूजीलैंड, इनको हराया। न्यू यूएस ओपन में देखा जाए ल्यूडमाइन और किचल और जेलेन ऑस्टोक लटविया, इन्होंने हराया क्रिस्टिना मेलेडोना और झाग सुई। अब मिश्रित युगल में देखा जाए जो है विजेता जो है उपविजेता यानी कि सी सू वे जेनी ताइवे हैं, जैन सिडिलिंस्की है और पोलैंड, इनको इन्होंने हराया जैसी लिन स्यूकर और लॉरा सिंह मुंडे जर्मनी, एडार्ड रोजर वेस्ली और फ्रांस और ड्रेसरी क्राजिक अमेरिका और नील स्कूप सिंह, जान जिलिंस्की पोलैंड और सी सुई सुई चीन ताइवे और सेंटो गेजोला और गिलियाना ओलमोसो को हराया और सारा ईरान और एंड्रिया बाविसेरो दोनों इटली इनको हराया, ठीक है। अब देखा जाए यहाँ पे फ्रेंच ओपन से रिलेटेड कुछ मुख्य तथ्य, यानी कि विश्व की शीर्ष वरीयता प्राप्त महिला एकल खिलाड़ी यानी कि स्वीटेक ने लगातार तीसरी तथा चौथी बार फ्रेंच ओपन खिताब अपने नाम की, 2024 में भी जीता हाँ, और 2023, 2022 और 2020 को है, ठीक है। अब विंबलडन देखा जाए 2024 मुख्य तथ्य कौन है, एक ही वर्ष में लगातार फ्रेंच ओपन और विंबलडन पुरुष एकल खिताब के विजेता जीतने वाले जो हैं अल्कराज ओपन युग के छठवें खिलाड़ी हैं। इस उपलब्ध में स्नेल चैनल स्लैम के नाम से भी जाना जाता है। यूएस ओपन 2024 मुख्य तथ्य है जेनिक सिनर यूएस ओपन का पुरुष एकल खिताब जीतने वाले इटली के पहले पुरुष हैं, इसलिए इम्पॉर्टेंट है। ऑस्ट्रेलिया ओपन के देखा जाए कुछ मतलब यहाँ पे इम्पॉर्टेंट चीज़ें जो हैं, 43 वर्ष और 329 दिन की अवस्था में बोपन्ना ओपन युग में किसी ग्रैंड स्लैम प्रतियोगिता में पुरुष खिताब जीतने वाले सर्वाधिक मतलब उम्र दराज खिलाड़ी हैं बोपन्ना। और बोपन्ना ने क्या जीता था आप देख सकते हैं यहाँ पे, और इन्होंने बेसिकली जो ऑस्ट्रेलिया ओपन जीता था और किसको, मैथ्यू एबडेने के साथ, ये बहुत इम्पॉर्टेंट है मैथ्यू एबडेने के साथ, ऑस्ट्रेलिया का मैथ्यू एबडेने है और भारत के रोहन बोपन्ना है, और सबसे उम्रदराज खिलाड़ी के रूप में यहाँ पे ऑस्ट्रेलिया ओपन जीता। और रोहन बोपन्ना ने अपने कैरियर का पहला ग्रैंड स्लैम पुरुष युगल खिताब जीता था और ओपन युग में लिएंडर पेस और महेश भूपति के बाद ग्रैंड स्लैम पुरुष
युगल खिताब विजेता बोपन्ना तीसरे भारतीय खिलाड़ी हैं और ATP पुरुष युगल रैंकिंग में शीर्ष स्थान प्राप्त वाले बोपन्ना सर्वाधिक उम्रदार टेनिस खिलाड़ी हैं, सबसे उम्रदराज खिलाड़ी हैं। ठीक है, अब देखा जाए बृहद आयोजन जो है, यानी कि जैसे पेरिस देखा जाए ग्रीस ओलंपिक पैरालंपिक के बारे में, पेरिस 2024 17वां क्या था, ग्रीष्मकालीन पैरालंपिक था, तो इसके बारे में हम लोग डिटेल में करने वाले हैं। तो 17वीं जो ग्रीष्म पैरालंपिक खेलों का आयोजन 28 अगस्त से लेके 8 सितंबर 2024 मध्य पेरिस यानी कि पेरिस फ्रांस में खेला गया। फ्रांस ने ग्रीष्मकालीन पैरालंपिक की मेजबानी पहली बार की थी। ठीक है, पेरिस देखा जाए पेरिस 2024 पैरालंपिक खेलों के आधिकारिक शुभंकर का नाम द फ्रीज था, यानी कि फ्रीज नहीं कह सकते हैं, प्रीज कह सकते हैं, PRYGE प्रीज। इसका इमेज आप देख सकते हैं ये प्रीज। और गेम्स वाइडन ओपन यानी गेम वाइड ओपन इस संस्करण का आदर्श वाक्य था, स्लोगन था गेट वन। अब देखा जाए ग्रेम्स वाइडन इसका क्या था, एक थीम था और द PHRYGE फ्रेज इसका स्लोगन था। और उद्घाटन समारोह में क्या है देखा जाए, पैरालंपिक 2024 का उद्घाटन समारोह 28 अगस्त 2024 को पेरिस के प्लेस डे ला यानी कि कॉर्नकॉर्न प्लेस डे ला कॉर्नकॉर्न है और चौक यानी कि चैम्स एलेसिस पर गया। पैरालंपिक खेलों के इतिहास में पहली बार उद्घाटन समारोह को स्टेडियम के बाहर आयोजित किया गया, उद्घाटन समारोह को ये भी इम्पॉर्टेंट है, यानी कि इसका पैरालंपिक जो चैक यानी कि चैम्स एलेसिस पर किया गया। और इस समारोह का विदेश मतलब निर्देशक कौन थे, अभिनेता निर्देशक थॉमस जॉली थे और सुमित आंतिल, अब यहाँ पे इम्पॉर्टेंट है सुमित आंतिल पैरा भाला फेंक हैं और भाग्यश्री जाधव पैरा शॉट फुट उद्घाटन समारोह में भारतीय ध्वजराजक। इसके खेल के जो प्रतिस्पर्धा एवं एथलेटिक है 2024 में पैरा ओलंपिक में शरणार्थी पैरालंपिक टीम RPT और स्वतंत्र पैरालंपिक एथलेटिक सहित कुल 169 और राष्ट्रीय पैरा ओलंपिक समितियों को देखा जाए 4400 से ज़्यादा एथलीट्स ने भाग लिया। 2024 में पैरालंपिक में 22 पैरा खेलों और 549 पदक स्पर्धाओं का आयोजन किया गया था। ठीक है, अब देखा जाए इस संस्करण में जो शरणार्थी पैरालंपिक टीम थी 85 राष्ट्रीय पैरालंपिक समिति कोई न कोई पदक जीतने में सफल हुए। 3 राष्ट्रीय पैरालंपिक समितियां NPC जो है इरिट्रिया किरीबाती हो गया और कोसोवा ने पैरालंपिक में पहली बार भाग लिया था, ये इम्पॉर्टेंट। 3 राष्ट्रीय पैरालंपिक समितियां जिसमें इरिट्रिया किरीबाती और कोसोवो ने सबसे पहली बार भाग लिया था। उसके बाद देखा जाए मॉरिशस यानी कि नेपाल और शरणार्थी पैरालंपिक समिति जो पैरालंपिक में अपना पहला पदक जीतने में सफल हुए। इटली की वैलेंटिना पेट्रिलो पैरालंपिक खेलों में भाग लेने वाले पहले ट्रांसजेंडर एथलीट। इटली की वैलेंटिना पेट्रिलो मतलब सबसे पहली पैरालंपिक भाग लेने वाली खिलाड़ी। पेरिस देखा जाए 2024 महत्वपूर्ण विश्व रिकॉर्ड है, इसमें शीतल देवी और राकेश कुमार दोनों भारत के 1999 अंक पैरा यानी कि तीरंदाज के मिश्रित कंपाउंड टीम यानी कि क्वालिफिकेशन स्पर्धा
यहाँ पे पेरिस 2024 महत्वपूर्ण विश्व रिकॉर्ड क्या है। अब इसमें देखा है जियांग युआन सर्वाधिक सफल पैरा एथलेटिक थे। कौन? जियांग युआन सबसे सफल यानी चीन की महिला पैरा तैराक हैं और 7 स्वर्ण पदक जीतकर पेरिस में 7 स्वर्ण पदक 2024 में पैरालंपिक की सर्वाधिक सफल पैरा एथलेटिक यानी कि जियांग युआन है। पेरिस में देखा जाए पैरालंपिक में भारत का क्या मतलब रहा, तो देखा जाए ओलंपिक से अच्छा पैरालंपिक में भारत का ज़्यादा यहाँ पे योगदान रहा, मतलब ज़्यादा अच्छा प्रदर्शन रहा कह सकते हैं। भारत ने पैरालंपिक खेलों के इतिहास में अपने सबसे बड़ा दल पेरिस भेजा था। भारतीय दल में 84 पैरा एथलेटिक सहित 179 व्यक्ति शामिल थे, ठीक है, और भारतीय पैरा एथलेटिक में 12 विभिन्न खेलों में भाग लिया, यानी कि 84 एथलीट 12 विभिन्न खेलों में भाग लिया। इसमें भारतीय पैरा एथलेटिक 3 खेलों जैसे पैरा साइकिलिंग हो गया, पैरा रोइंग हो गया और ब्लाइड जूडो में पहली बार भारत ने भाग लिया था, ठीक है। पेरिस पैरालंपिक खेलों में भारत 7 स्वर्ण और 9 रजत और 13 कांस्य पदक के साथ कुल 29 पदक जीते, ठीक है। और पैरालंपिक खेलों के इतिहास में भारत का सबसे सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन रहा है, ठीक है, 2024 में पैरालंपिक में इन्होंने देखा जाए 29 पदक जीता और इसमें 7 स्वर्ण पदक था और 9 रजत था और 13 कांस्य पदक था। अब अविन लेखरा पैरालंपिक खेलों यानी कि 2020 से 24 में 2 स्वर्ण पदक हासिल करने वाले भारत की पहली महिला पैरा एथलेटिक बनी जो 2020 में भी पाई पदक और 2024 में भी पाई। और सुमित अंतिल लगातार 2 पैरा ओलंपिक खेलों में खिताब जीतने वाले भारत के पहले पुरुष पैरा एथलेटिक बने। सुमित अंतिल ने नया पैरा ओलंपिक रिकॉर्ड यानी कि 70.59 मीटर बनाते हुए पुरुष भाला फेंक यानी कि F64 यानी कि स्पर्धा स्वर्ण पदक जीता, ठीक है, सुमित अंतिल। और मरियप्पन थंगावेलु ऊंची कूद में यानी कि ऊंची कूद 42 मतलब T42 लगातार 3 पैरालंपिक खेलों में एक पदक हासिल करने वाले भारत के पहले पैरा एथलेटिक बने। थंगावेलु रियो देखा जाए 2016 में 20 स्वर्ण पदक और टोक्यो 2020 में रजत पदक और पेरिस में कांस्य पदक हासिल करने वाली थंगावेलु हैं, ठीक है। प्रीति पाल ट्रैक स्पर्धा पैरा ओलंपिक खेल जीतने वाली पहली पैरा एथलेटिक्स बनी, ठीक है। उन्होंने महिला यानी 100 यानी T35 और महिला 200 मीटर T35 दौड़ स्पर्धाओं में 2 कांस्य पदक जीते। और पेरिस देखा 2024 में पैरा ओलंपिक में 2 पदक हासिल करने वाली प्रीति पाल भारत की एकमात्र खिलाड़ी रही। 17 वर्षीय शीतला देवी वर्ष 2024 के पैरालंपिक खेलों में भारत की सर्वाधिक युवा पदक विजेता हैं, यानी कि शीतला देवी 17 वर्ष की हैं केवल मात्र। उन्होंने राकेश कुमार के साथ तीरंदाजी की मिश्रित रेम यानी कंपाउंड स्पर्धा में कांस्य पदक जीता। हरविंद सिंह पैरालंपिक खेलों में स्वर्ण पदक हासिल करने वाले भारत के पहला पैरा तीरंदाज हैं, ठीक है। अब देखा जाए इसमें कुछ डेटा दिया है जैसे पदक शीर्ष 5 देशों में आया भारत कह सकते हैं, जो शीर्ष 5 ऐसे तो भारत का 18वां नंबर है इसमें लिखा है। देखा जाए चीन में देखा जाए कुल 200 चीन देखा जाए कुल मिला के
अब देखा जाए राष्ट्रीय पैरालंपिक समिति जो है, अब इसमें देखा जाए स्वर्ण पदक देखा जाए पैरालंपिक में जो सबसे नंबर वन पे चीन है और 220 पदक पाया, और इसमें 94 स्वर्ण पदक और 76 रजत और 50 कांस्य पदक। ग्रेट ब्रिटेन देखा जाए जो है 49, 44 और 31 और 100। अब देखा जाए इसके बाद यूएस का तीसरा नंबर, चौथा नीदरलैंड, पांचवा ब्राज़ील है और 18 नंबर पे भारत है जो 7 स्वर्ण पदक, 9 कांस्य पदक और 13 कह सकते हैं अरे रजत पदक, 9 और 13 यहाँ पे कांस्य पदक, कुल टोटल 19 है। स्वर्ण पदक विजेता जो है यहाँ पे जो हैं इसमें देखा जाए अविन लेखरा पैरा निशानेबाजी में करते थे, R2 महिला 10 और मी एयर राइफल स्टैंडिंग में सुमित अंतिल है, पैरा एथलेटिक्स हैं, पुरुष भाला फेंक हैं, हरबंदर सिंह पैरा तीरंदाज हैं, पुरुष व्यक्ति यानी कि रिकवर ओपन तीसरे, और इसके बाद देखा जाए नीतीश कुमार हैं और पैरा बैडमिंटन में पुरुष SEL3 में, और धर्मवीर हैं पैरा एथलेटिक्स हैं पुरुष एकल थ्रो में और एफ कह सकते हैं 51। प्रवीण कुमार हैं और प्रवीण कुमार जानते हैं पैरा एथलेटिक्स और ऊंची कूद में T64 में, और नवदीप सिंह पैरा एथलेटिक पुरुष भाला फेंक में F41 में। ठीक है, तो अगला जो पैरालंपिक कहाँ पे खेला जाएगा इसके लिए हम लोग अगला पैरालंपिक लॉस एंजेलिस में है और ये कब है 2028 में, 4 साल पे। ठीक है, और यहाँ पे देखा जाए 8 सितंबर 2024 को पेरिस में 17वें ग्रीस पैरालंपिक खेलों का रंगारंग समापन हो गया, और समापन समारोह जो डी फ्रांस स्टेडियम में आयोजित किया गया। हरविंदर सिंह जो पैरा तीरंदाज है, प्रीति पाल पैरा धावक है, समापन समारोह में भारत का ध्वज लहराए थे, और 18वें ग्रीष्मकालीन पैरालंपिक खेलों का आयोजन संयुक्त राज्य अमेरिका के लॉस एंजेलिस में 2028 में खेला जाएगा 18वें, तो इम्पॉर्टेंट है। और 19वें का ग्रीष्मकालीन पैरालंपिक खेलों का आयोजन 2032 में किया जाएगा और ऑस्ट्रेलिया में मिसबेन में किया जाएगा, प्रस्तावित है ये। ठीक है, तो अब देखा जाए 43 सबसे इम्पॉर्टेंट पेरिस में ओलंपिक खेल हुआ भाई, बहुत हु हल्ला वाला कहानी है। ठीक है, तो ओलंपिक खेल तो 33वां मतलब ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेल था, और ओलंपिक खेल देखा जाए ओलंपिया वर्ड से, ग्रीस का ओलंपिया वर्ड से बना है, और इसके मतलब क्या होता है, हॉनर ऑफ ज्यूस, और रिलीजियस एंड एथलेटिक फेस्टिवल है, पहले था ये, बाद में ये मॉडर्न में देखा जाए ये एथेंस और ग्रीस में खेला गया मॉडर्न 1896। उसके बाद देखा जाए हर 4 साल पे ये होता है, एवरी 4 ईयर पे, और इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी जो है ये भी बना, और ये पेरिस में एक मतलब 23 जून 1894 में पूछा जा सकता है आपको। हेडक्वार्टर इसका लुसेन स्विट्जरलैंड में, इसका हेडक्वार्टर है लुसेन में। ठीक है, और इसमें देखा जाए नीता अंबानी फर्स्ट इंडियन मेंबर थी वो इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी की। ठीक है, और इसमें देखा जाए फर्स्ट इंडियन जो अपॉइंटमेंट मेंबर थे इंटरनेशनल ओलंपिक, ये दौरभजी डाटा थे, यानी कि दौरभजी डाटा टाटा जो थे सबसे फर्स्ट मेंबर थे। उसके बाद इंडियन ओलंपिक कमेटी में देखा जाए ये दौरभजी डाटा सबसे पुराने थे। ठीक है, और इसमें देखा जाए फ्लैग और साइन भी जैसे बना, इसमें सारे कॉन्टिनेंट को दिखाया गया है, ये सब आप जानते हैं, और 5 रिंग इसमें है सिम्बलाइज के रूप में, 5 रिंग होते हैं, और 5 रिंगों में देखा जाए ब्लू कलर का यूरोप दर्शाता है, येलो कलर का एशिया है, और ब्लैक कलर का अफ्रीका है, और ग्रीन कलर का ऑस्ट्रेलिया और ओशिनिया हो गया, और रेड कलर नॉर्थ एंड साउथ अमेरिका। ओलंपिक मोटो है फास्टर हायर स्ट्रॉन्गर, इसका मोटो है। ओलंपिक टार्च है, ओलंपिक टार्च जिसे हम लोग हेरा टेम्पल बोला जाता है। ओलंपिक मेडल 3 तरह के होते हैं, इसमें गोल्ड मेडल है, सिल्वर मेडल है, ब्रॉन्ज मेडल है। गोल्ड मेडल ठीक है, और ओलंपिक कोस्टल जो यहाँ पे है उसकी बात कर लेते हैं थोड़ा। ठीक है, अब यहाँ पे देखा जाए मोस्टली जो गेम्स है, अगर देखा जाए
सबसे ज़्यादा रिकॉर्ड है गोल्ड मेडल पाने के लिए माइकल फिलिप्स हैं, आप जानते हैं इनको, ठीक है, तैराक हैं मतलब अमेरिका के। तो यहाँ पे हम लोग जैसे ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेलों के 33वें संस्करण का आयोजन 26 जुलाई से लेकर 11 अगस्त 2024 के मध्य पेरिस में किया गया है, और कुछ स्पर्धाओं की शुरुआत कह सकते हैं 24 जुलाई से ही हो गई थी। वर्ष देखा जाए 2024 में पेरिस ने इन खेलों में सर्वाधिक 3 बार मेजबानी करने के लंदन रिकॉर्ड की बराबरी कर ली। लंदन में सबसे ज़्यादा हुआ है, उसके बाद देखा जाए 3 ही हुआ है उसमें, और पेरिस में तीसरा हो गया, और पैरालंपिक का पहला था। इससे पहले वर्ष 1900 में और 1924 में पेरिस में ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेलों की मेजबानी की थी। अब पेरिस 2024 में ओलंपिक और पैरालंपिक खेल का जो स्लोगन था उसका देखा जाए, अब देखा जाए गेम विड ओपन, दोनों का गेम्स वाइड ओपन, गेम वाइड ओपन आपको याद रखना है। मसाल रिले है यूनान के प्राचीन शहर ओलंपिया, 16 अप्रैल 2024 को ऐतिहासिक जो परंपरा के तहत ओलंपिक खेलों की मशाल प्रज्वलित की गई, और पेरिस 2024 में ओलंपिक और पैरालंपिक मशाल रिले का यानी कि फोर रनर्स रिले नाम दिया गया। शुभांकर क्या था? ओलंपिक फ्रीज यानी ओलंपिक फ्रीज, और 2024 पेरिस ओलंपिक के लिए आधिकारिक शुभांकर नाम ओलंपिक प्रीज था। और यहाँ पे पेरिस ओलंपिक 2024 का शुभांकर फ्रांसीसी गणराज्य जो है प्रीजियन ट्रॉफी यानी प्रीजियन हेट पर आधारित है, जिसे हम प्रीज कहते हैं। आदर्श वाक्य है मोटो यानी कि अकेले हम तेज चलते हैं लेकिन एक साथ हम आगे बढ़ते हैं, ठीक है। देखो एलोन वी बहुत अच्छा यहाँ पे स्लोगन है, एलोन वी गो फास्टर बट टुगेदर वी गो फर्दर, मतलब कि अकेले हम तेज चलते हैं लेकिन एक साथ हम आगे बढ़ते हैं, ठीक है। अब उद्घाटन का समारोह क्या, उद्घाटन का समारोह कैसे हुआ? पेरिस 2024 के ओलंपिक खेलों का उद्घाटन का समारोह 26 जुलाई 2024 को आयोजित किया गया, और ओलंपिक खेलों के इतिहास में पहली बार उद्घाटन समारोह स्टेडियम से बाहर खुले तौर पर आयोजित किया गया, और प्रत्येक राष्ट्रीय प्रतिनिधि सीन नदी में नाव पर सवार होकर परेड में भाग लिए। बहुत इम्पॉर्टेंट सीन नदी, अब पेरिस किस नदी के किनारे बसा हुआ है? सीन नदी के किनारे बसा हुआ है, ये इम्पॉर्टेंट जियोग्राफी के लिए है। और उद्घाटन परेड में बैडमिंटन स्टार पी वी सिंधु और टेबल टेनिस मतलब खिलाड़ी जो सरल कमल यानी कि भारतीय ध्वजक थे पी वी सिंधु और टेबल शरद कमल। अब देखा जब पेरिस ओलंपिक के उद्घाटन समारोह के दौरान फिलिप्पो ग्रांडी यानी कि यूनाइटेड नेशन हाई कमीशन ऑफ रिफ्यूजी का ओलंपिक लॉरेल यानी कि ओलंपिक लॉरेल प्रदान किया गया, और खेल प्रतिस्पर्धाओं एवं पदक जो हैं इस बार विश्व के 206 देशों यानी राष्ट्रीय ओलंपिक समिति यानी कि NOC के अतिरिक्त शरणार्थी ओलंपिक टीम यानी कि रिफ्यूजी ओलंपिक टीम और स्वतंत्र ओलंपिक एथलेटिक्स सहित लगभग 10,500 खिलाड़ियों ने भाग लिया। और वर्ष 2024 के ओलंपिक खेलों में 4 अतिरिक्त खेलों सहित कुल 32 खेलों में 329 विधि यानी कि स्पर्धाओं का आयोजन किया गया। शामिल किए गए 4 अतिरिक्त खेल जिसमें ब्रेकिंग यानी कि ओलंपिक में पहली बार स्पोर्ट क्लाइंबिंग जो है क्लाइंबिंग स्केट बोर्डिंग और सर्फिंग, ये सब मतलब 4 अतिरिक्त खेल मतलब शामिल किए गए पहली बार। और पेरिस ओलंपिक में पहला जो स्वर्ण पदक था चीन ने 10 मीटर एयर राइफल मिश्रित टीम स्पर्धा में जीता। इसके बाद देखा जाए इस संस्करण में 91 देश यानी कि NOC और IOC शरणार्थी ओलंपिक टीम को कोई न कोई पदक जीतने में सफलता हुई।
इस संस्करण के दौरान चार देशों जिसमें डोमिनिका, सेंट लुइस और अल्बेनिया, केप वर्डे और शरणार्थी ओलंपिक टीम ने पहली बार ओलंपिक में कोई पदक जीता। ठीक है, पेरिस 2024 में चार देश जिसमें डोमिनिका, सेंट लुइस और बोत्सवाना और ग्वाटेमाला ने ओलंपिक खेलों का अपना पहला स्वर्ण पदक जीतने में सफलता प्राप्त हुआ। ठीक है, और लियोन मर्चेंट सर्वाधिक सफल एथलेटिक्स थे। लियोन मर्चेंट सर्वाधिक सफल एथलेटिक्स यहाँ पे थे, मतलब फ्रांस के पुरुष तैराक हैं। और लियोन मर्चेंट और चार स्वर्ण पदक और एक कांस्य पदक इन्होंने जीता है और पेरिस ओलंपिक 2024 में। और माइकल फिलिप्स के बाद ओलंपिक खेलों में एक ही संस्करण में चार पदक जीतने वाले दूसरे तैराक कह सकते हैं। टोरी हेस्के सर्वाधिक सफल महिला एथलीट है, यूएस की महिला तैराक हैं और तीन स्वर्ण पदक और दो रजत पदक मतलब जीत कर पाँच पदक यहाँ पे ओलंपिक में शामिल मतलब यहाँ पे पाए। पेरिस ओलंपिक में तो भारत ने बहुत अच्छा प्रदर्शन नहीं किया भाई, कोई भी स्वर्ण पदक हमें हाथ नहीं लगा। ठीक है, अब इसमें देखा जाए बाकी के बारे में, यानी कि पेरिस 2024 में ओलंपिक खेलों के लिए भारतीय प्रतिनिधि मंडल 117 एथलेटिक मतलब शामिल हुए। भारतीय खिलाड़ियों ने 16 खेलों की 69 पदक स्पर्धाओं में भाग लिया और 44 वर्षीय टेनिस जो रोहन बोपन्ना भारतीय दल में सर्वाधिक उम्रदराज खिलाड़ी थे, जबकि 14 वर्षीय महिला तैराक यानी कि धीनिधि देनसुंधु 14 वर्ष की सबसे कम उम्र की थी, धीनिधि सेनदेनसु तो कम से कम मतलब ये 14 वर्ष की ही महिला थी। और 200 मीटर दौड़ने जैसे लेटसन टेबोगो और ग्रेबल थॉमस ने यूसुफ बोत्सवाना, 400 मीटर में क्विंसी हाल ने, 800 मीटर एमैनुअल वान में केन्या की मैराथन तोमरिल तोल, ऊंची कूद में हमेश केर ने और पोल वाटसन में अमरिंदर फ्लुई, लंबी कूद में मिल्टी आडिस और तिहार कूद में जान एन एलेंद्राजो ड्रियाजो फोर्टसो स्पेन के, भाला फेंक में देखा जाए अरशद नदीम पाकिस्तान के, ये इम्पॉर्टेंट है। अन्य महत्वपूर्ण जो परिणाम इसमें आया जैसे पुरुष हॉकी में नीदरलैंड ने स्वर्ण पदक और रजत पदक जर्मनी, कांस्य पदक भारत। सर्वाधिक गोल देखा जाए हरमनप्रीत सिंह भारतीय कप्तान 10 गोल किया। सेमीफाइनल मुकाबले में जर्मनी से पराजित होने के बाद कांस्य पदक मुकाबले में भारत ने स्पेन को हराया। भारत ने 52 वर्षों के पश्चात पुरुष हॉकी में लगातार दो ओलंपिक खेलों में कांस्य पदक जीता। इसके पहले भारतीय पुरुष हॉकी टीम ने 1968 और 72 में ओलंपिक खेलों का लगातार दो कांस्य पदक जीता था। फुटबॉल में देखा जाए पुरुष में महिला में और महिला हॉकी, ठीक है, और देखा जाए फुटबॉल में स्पेन फ्रांस मतलब रजत और मोरक्को फ्रांस, महिला में देखा जाए फुटबॉल में यूएसए ब्राज़ील हो गया, जर्मनी हो गया। महिला हॉकी में भी नीदरलैंड ने ही स्वर्ण पदक जीता, चीन मतलब रजत पर अर्जेंटीना कांस्य पदक हुआ। तो इसमें खेल जैसे पुरुष एकल महिला में बैडमिंटन में स्वर्ण पदक क्वेटर हैं और ये एक्सलेशन डेनमार्क की हैं। टेनिस में स्वर्ण पदक नोवाक जोकोविच हैं सर्बिया के और टेबल टेनिस में जो स्वर्ण फैन जेंडांग हैं चीन के। और महिला एकल में स्वर्ण पदक थे और स्वर्ण देखा किनमें जीन है स्वर्ण जैन, तो टूर्नामेंट एम्बेसडर थे युवराज सिंह, ठीक है। और इसमें देखा जाए ये तो इधर आ जाएंगे हम लोग, ठीक है, अभी हम लोग ओलंपिक का कर रहे थे यहाँ पे आ जाते हैं। इसमें कुछ बातें जैसे गगन नौरंग पेरिस ओलंपिक 2024 में भारत दल के प्रमुख थे। भारत के पूर्व दिग्गज निशानेबाज अभिनव बिंद्रा
ओलंपिक मूवमेंट में उनकी उत्कृष्ट सेवाओं के लिए ओलंपिक अवार्ड से सम्मानित किया गया। 2024 में ओलंपिक खेलों में भारत 1 रजत और 5 कांस्य पदक के साथ कुल 6 ही पदक जीत पाए। मनु भाकर ओलंपिक खेलों में कोई पदक जीतने वाली मतलब ओलंपिक खेलों में कोई पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला निशानेबाज मनु भाकर हैं और महिलाओं में 10 मीटर एयर पिस्टल स्पर्धा में 5 पदक हासिल किया। यह पदक पेरिस ओलंपिक में भारत का पहला पदक था। इसके साथ मनु भाकर और सर्वजोत सिंह की जोड़ी 10 मीटर एयर पिस्टल मिश्रित टीम स्पर्धा में 5 पदक जीतने में सफल हुई। स्वतंत्र भारत के इतिहास में ओलंपिक खेलों के एक ही संस्करण में 2 पदक हासिल करने वाले मनु भाकर पहली भारतीय एथलीट बने। ठीक है, भारतीय पदक, ठीक है, तो इसमें पुरुष हॉकी में 5 पदक मिला जो, और स्पिनल कुशाल निशानेबाज 5 पदक पाए 50 मीटर एयर राइफल 3 पोजीशन में। अमन सहरावत यानी कि फ्री स्टाइल कुश्ती में 5 पदक 57 किलोग्राम वर्ग भार के। नीरज चोपड़ा भाला फेंक में रजत पाए, ठीक है, और मनु भाकर 5 पदक पाए 10 मीटर एयर पिस्टल में और किसके मनप्रीत के साथ मतलब यहाँ पे सॉरी सर्वजोत सिंह के साथ मतलब यह ज्वाइंट भी पाए 5 पदक। मनु भाकर और सर्वजोत सिंह 10 मीटर एयर राइफल में मिश्रित भी पाए। बिनेश फोगाट और CAS की तर्थ समिति जो थी, अब ये क्या है क्योंकि बिनेश फोगाट तो काफ़ी चर्चित रहे ओलंपिक में, क्यों चर्चित रहे उसकी बात करते हैं। जैसे भारतीय पहलवान बिनेश फोगाट पेरिस ओलंपिक में शानदार प्रदर्शन करते हुए महिला 50 किलोग्राम स्पर्धा के फाइनल में पहुंच गए, परंतु दुर्भाग्य से ऐतिहासिक फाइनल मुकाबले से पहले उनका वजन तय सीमा से 100 ग्राम ज़्यादा होने के कारण उन्हें अयोग्य घोषित कर दिया गया। अब बिनेश ने अपने मामले को कोर्ट यानी कि आप आर्बिट्रेशन फॉर स्पोर्ट CAS के समक्ष उठाया। बिनेश ने क्यूबा की पहलवान यूसलेन यानी कि गुजमैल लोपेज के साथ संयुक्त रजत पदक की मांग की, जिसे उन्होंने सेमीफाइनल मुकाबले में पराजित किया। लेकिन बिनेश के अयोग्य घोषित होने के बाद लोपेज को फाइनल मुकाबले में जगह दी गई। इस स्पर्धा का स्वर्ण पदक US की सारा हिल्डब्रांट ने जीता और बिनेश का मामला देखने वाले एकमात्र मध्यस्थ जो सोल आर्बिट्रेटर थे ऑस्ट्रिया के डॉक्टर एनाबेल बेनेट ने 14 अगस्त 2024 को बिनेश की याचिका को खारिज कर दी। ठीक है, अब देखा जाए इसमें एथलेटिक्स के प्रमुख जो परिणाम हुए स्वर्ण पदक जो 100 मीटर में देखा जाए नोहल लाइन्स और जूलियट ए भार। पुरुष भाला फेंक में अर्शदीप नदीम बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछा जाए नया ओलंपिक रिकॉर्ड है और 92.97 इन्होंने फेंका और रजत के साथ नीरज चोपड़ा ने 89 ही फेंक पाया। ठीक है, मीटर कांस एंडरसन पीटरसन ने 88.54 मीटर फेंका। पुरुष बास्केट में देखा जाए US लगातार 5वीं खिताब जीता और फ्रांस रजत। जो पदक यहाँ पे तालिका है शीर्ष 5 देश सबसे ज़्यादा देखा जाए US ने जीता, ठीक है, 40 स्वर्ण पदक और 44 रजत और 42 कांस्य 126। उसके बाद देखा जाए चीन है, चीन 40 स्वर्ण पदक और 27 कह सकते हैं रजत और उसके बाद 24 कांस्य पदक 91। उसके बाद जापान है 45, उसके बाद ऑस्ट्रेलिया है 54, ठीक है, टोटल अरे 53, ठीक है, क्योंकि ये स्वर्ण कम पाए इसलिए तालिका में नीचे आ गए। फ्रांस हो गया, ठीक है, भारत का जो है स्वर्ण 0 है, रजत 1 है, वही नीरज चोपड़ा, उसके बाद 5 कांस्य थे, कुल टोटल 6 पदक। अगला ग्रीष्मकालीन जो ओलंपिक है ये कहाँ पे खेला जाएगा, लॉस एंजलिस 2028 में। ठीक है, समापन जो समारोह स्टेडियम
फ्रांस स्टेडियम में आयोजित हुआ और अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति IOC के अध्यक्ष थॉमस बाक और पेरिस 2024 में आयोजित अध्यक्ष टोनी एस्ट्रावेंड ने समापन भाषण दिया। भारतीय हॉकी गोलकीपर PR श्रीजा स्टार निशानेबाज मनु भाकर समापन समारोह में भारत ध्वज यहां पे लहराए। 34वें ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेलों का आयोजन संयुक्त राज्य अमेरिका में लॉस एंजलिस शहर में 2028 में खेला जाएगा और 35वां जो होगा वो 32 में ब्रिस्बेन ऑस्ट्रेलिया में खेला जाएगा। इसके बाद हम लोग 9वां ICC पुरुष T20 विश्व कप 2024 करेंगे। थैंक यू।